आप रो रही है? रोने के अलावा और कर भी क्या सकती है तुम्हारी लक्ष्मी माँ? तुम इतनी समस्याओं में घिरी थी सविता, और तुम्हारी लक्ष्मी माँ चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी, और वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। क्या इसके लिए तुमने इतने साल माथे रगड़े थे उसके सामने, भूखे राय का व्रत किया था, घंटों मंदिर के बाहर भीड़ में खड़ी रही थी ताकि एक दिन अपने घर के बाहर खड़ी हो जाओ, अपनी लक्ष्मी माँ की भक्ति का ये फल मिला तुम्हें? हर यदि उद्धार ही नहीं कर सकती है तो किस बात की लक्ष्मी माँ? आप क्या कह रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ सविता, धन देने वाली ने पाई पाई के लिए तरसा दिया तुम्हें, जिसमें उद्धार करने की शक्ति ही नहीं, तो क्यों कर रही हो ऐसी लक्ष्मी माँ की भक्ति? त्याग दो सविता, आज ही त्याग दो, अपनी लक्ष्मी माँ को भी और उसकी भक्ति को भी। इतने सालों से हाथ जोड़ती आ रही हो ना, आज एक बार हमेशा हमेशा के लिए हाथ जोड़ लो और तोड़ दो ये संबंध। लक्ष्मी तुम्हारे लायक ही नहीं है। सविता का पूरा घर मेरा हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा हम कैसे सेलिब्रेट करें, हम नाचे गाए या पार्टी करें? अलग मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, बताओ ना कैसे सेलिब्रेट करें? अरे इतनी खुशी का मौका है और तुम हो कि मनहूसों वाली शक्ल बनाकर बैठे हो। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं खुश तो हूँ लेकिन अम्बा को इस तरह घर से निकालना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तो तुम भी चले जाओ ना उसके साथ। मेरा कहने का मतलब है कि हमने तो कहा ना उनसे कि माँ जी आप रुक जाइए, पर ना उन्हें तो अलग निरंजन, उसमें से निरंजन को चुन लिया। तुम्हें तो कुछ समझते ही नहीं, जब वो तुम्हें कुछ नहीं समझती तो तुम अपना जी क्यों जला रहे हो उसके लिए? अलग सोचो, अपनी पूरी जिंदगी तुम एक फेलियर की तरह जिए हो, गुड फॉर नथिंग। पहली बार तुम जीरो से हीरो बन गए हो। अरे अलग देखो ये ऐसा वैसा घर नहीं है, इस घर के कोने कोने में सोना छिपा है, हर जगह स्वर्ण महल है, ये स्वर्ण महल, इस स्वर्ण महल के हम मालिक हैं। सोचो इतना पैसा, इतना पैसा है कि मैं अपने आप को सोने में तौल सकती हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं बाल उगवाऊंगी, पता है फॉरेन में ना अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी होती है, फिर ये घने बाल होंगे तुम्हारे। अरे भाड़ में जाए, हम लोग एंजॉय करते। अरे कितनी मुश्किल से तो ये घर मिला हमें, अपना टाइम आ गया अलग, अपना टाइम आ गया। आपके मनपसंद कमल के पुष्प तो नहीं थे, इसलिए ये पुष्प अर्पित कर रही हूं। और किसने कहा कि आपने मेरा साथ छोड़ दिया? आपकी दी हुई सीख और विश्वास हर पल मेरे साथ थी, मुश्किल समय में वो ही मेरी शक्ति थी, तभी तो मैंने हार नहीं मानी। माँ आप तो मेरे जीवन का आधार है, आप नहीं है तो सब कुछ बेकार है मेरे लिए। और आपको याद है माँ, आपने अपने चार हाथों वाला स्वरूप दिखा के क्या कहा था मुझसे? सविता हाथ केवल वो नहीं होते जो तुम्हारे शरीर से जुड़े होते,
तुम्हारी विपरीत परिस्थिति में जो हाथ तुम्हारी सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो भी तुम्हारे ही हाथ हैं। यही हाथ संभावनाओं के मार्ग पर चलकर असंभव कार्य को पूरा करेंगे। है ना, मेरे पास से मेरे अतिरिक्त हाथ, मेरा पूरा परिवार, कैसा भी संकट आए हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। आप ही ने तो कहा था ना, भक्त करेंगे चमत्कार, तो बस वो समय आ गया है आपकी बात को सच करके दिखाने का। इस बार ये भक्त करेगी चमत्कार। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम्हारा परिवार एक साथ है? मैं तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी हूँ, करके तो दिखाओ चमत्कार। माँ, अपने भक्त सविता को इस हाल में देख के उनके पास जाने के लिए आप व्याकुल होंगी ना माँ? जाना तो चाहती हूँ बस, किंतु अपने वचन के कारण बंधी हुई हूँ। तुम अब सविता के सामने नहीं आओगी, किसी भी स्थिति में तुम उसकी सहायता नहीं करोगी। लक्ष्मी की पूजा को भी अलक्ष्मी की पूजा माना जाएगा। माया, माया, अरे माया दो मिनट रुक जाओ। माया क्या प्रॉब्लम, क्या है तुम्हारी? अरे यार, दो मिनट अगर वहां पर रुक गई होती बाथरूम की लाइन में तो तुम्हारा नंबर लग जाता वहां पर, और मैं तुम्हारे लिए अपना प्रेशर रोक कर तुम्हारे लिए वहां पर खड़ा था, और तुम आई, देखी और निकल गई साथ में। क्या यार रोहित, मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरे पापा क्या सबके अपने अलग अलग बाथरूम है, और मैं यहाँ ऐसे पब्लिक टॉयलेट में लाइन लगाऊं, कितना गंदा था वो, छी कितनी स्मेल आ रही थी। मैंने ये सब नहीं किया है कभी रोहित। कभी कभी तो ऐसा लगता है तुमसे शादी करके कोई सजा काट रही हूं। जब भी कुछ होता है ऐसा लगता है नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, तुम्हारी फैमिली में कोई ना कोई पनौती चलती ही रहती है। और अब तो आधी हो गई, चार बाय चार की दुकान में हम गद्दा बिछाकर भेड़ मगरियों की तरह सोएंगे। वॉशरूम तक जाना हो तो पब्लिक टॉयलेट में लाइन लगानी पड़ेगी। ये सब क्या है रोहित, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं ये सब नहीं कर सकती। देखो माया, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन माया सिर्फ हम दोनों ही नहीं है जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार इससे गुजर रहा है। सब एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो हमें भी एडजस्ट करना होगा। प्लीज प्लीज, अरे रे 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 रे, क्या बात है श्रेया मैडम, मतलब मानना पड़ेगा इतना दम है। तुम हेल्प नहीं कर रहे हो ना, इसलिए अकेले कर रही हो। अब देख क्या रहे हो, चलो हेल्प करो आराम से। तो मैं अकेले बिछाऊंगा क्या? आओ तुम भी हेल्प करो। अरे अरे ठीक से पकड़ो यार, मैं तो कर रहे हो भाई, जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है।
बिछाओ ना ठीक से। अब दादी गद्दे बिच गए। हाँ बिछ गए दादी। हाँ अरे पापा आप भी बैठिए, बहुत देर से खड़े हैं, आप थक गए होंगे। अच्छा वैभव मेरे पास एक आइडिया है, भाई जी और ताऊ जी से घर वापस कैसे लेना है। क्या मतलब कैसे? अब वो गद्दे लगे नहीं अभी तक। हाँ दीदी अभी करती हूँ। ओह नो, इन गद्दों पे कैसे सो सकते हैं, कमर टूट जाएगी मेरी तो, लेकिन बोलूं कैसे, बुरा लग जाएगा सबको। देखो दादी मुझे ना कोई परेशानी नहीं है ऐसे सोने में, लेकिन जरा सोचो घर का दामाद ऐसे दुकान में जमीन में नीचे सोएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? मैं समझती हूँ बेटा, पर हमारे हालात ऐसे नहीं है ना, तू भी समझ। हाँ दादी माना कि 9 लोगों के लिए होटल में कमरा बुक करना महंगा पड़ेगा, लेकिन कम से कम एक के लिए तो रूम बुक हो सकता है ना, घर के दामाद के लिए। मैं तो बस इनके बारे में सोच रही हूँ। हाँ निरंजन, अदिति ठीक कह रही है, हम सब तो यहाँ पर कैसे भी रह लेंगे, पर घर के दामाद को ऐसे ठहराना ठीक नहीं होगा ना, तो एक कमरा तो हम कर ही सकते हैं ना होटल में इनके लिए। अरे दादी मैं को जोधपुर के महाराजा का बेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। अरे आपका दामाद बहुत एडजस्टिंग है, बहुत डाउन टू अर्थ है, इतना डाउन टू अर्थ है ना कि इस अर्थ पे बिना गद्दे के भी लेट जाए। अरे आप तो एडजस्ट कर लोगे, लेकिन अगर किसी को पता चलेगा वो क्या सोचेंगे? आपको पता है घर के दामाद को ना पलकों में बिठा के रखते हैं और हमारे यहाँ ऐसे। हाँ तो क्या दीदी, मुसीबत में साथ रहना जरूरी है कि दुनिया को शो ऑफ करना? अरे जिसको जो सोचना है सोचने दो। अरे वो सब छोड़ो, सुबह से आपकी मम्मी का कॉल आ रहा है, मुझसे पूछ रही है कि मेरा बेटा कहाँ है, तो क्या बोलूंगी, दुकान में सो रहे हैं। जिंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे मुझे उनके। अरे तुम नहीं दामाद जी, अदिति सही कह रही है, छत हमारे सर से गई है, आप हमारे घर के दामाद हैं, आपको क्यों तकलीफ दे, आप यहाँ नहीं रह सकते। डरे बेटा ये तुम और दामाद जी किसी होटल के कमरे में रुक जाओ। वाह डैडी जी, हमारे लिए तो पैसे नहीं होते आपके पास, लेकिन बेटी और दामाद के लिए होटल में कमरा बुक होगा। दामाद को ही सर पे चढ़ा के रखिए आप, की तो कोई इज्जत ही नहीं है। माया भाभी ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं है। तुम तो चुप ही रहो श्रेया, तुम फैमिली की नजरों में महान बनने के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह महान बनने का कोई शौक नहीं। चुप करो माया, वैसे भी कोई परेशानी कम नहीं है और तुम ऊपर से कलेश किए जा रही हो। आप भी दादी? वाह माया सही कह रही है दादी, यहाँ पर दामाद और बेटी को स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट, और हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों डैडी जी, हमारे टाइम पे तो पैसे निकालने में कंगाली छा जाती है, अब कहाँ से आए आपके पास पैसे? भाभी बस पहले भी आपने पापा की इंसल्ट की थी, मैं चुप था, पर अब नहीं। तमीजी से बात करता है अपनी भाभी के साथ? हम जहाँ रोज हमेशा दिखता हूँ तुझे मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा क्या? आप बोलिए ना उन्हें। साले साहब अरे आपको दिख नहीं रहा है क्या, पूरा परिवार इधर टेंशन में है पर भाभी का एटीट्यूड ही नहीं जा रहा है।
अरे दे ना, मैं भी मार सकता हूँ। बस करिए दोनों। क्लीश। समझाओ ना इसको। रोहित। अरे आप इसको समझाओ। बस करो तुम दोनों। कहने दो रोहित, इन लोगों से झगड़ने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी मुझे नहीं रहना अब यहाँ पर, मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। तुम्हें चलना है मेरे साथ में? मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ पर रुकने का। चलो भाया। रोहित बेटा, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे अब। अभी तो जीना यहाँ मरना यहाँ बोल के साथ देने का वादा किया था, ले जा रही हो तुम। चलो तुम। सबको बड़ी भूख लगी होगी, अभी के लिए बाहर से लाई हूँ, अब से यही बना लिया करूंगी। रोहित, अरे अदिति, देखा लक्ष्मी कितना प्रेम है परिवार में। परिवार है मेरे साथ, देख लो परिवार की एकता। माँ, लक्ष्मी का प्रकोप तो बढ़ रहा है, परिवार बिखर रहा है माँ। वत्स, जब तक मेरी दोनों लक्ष्मियां एक साथ हैं, उन्हें हरा पाना असंभव है। आप देखना, सविता और श्रेया मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ लेंगी। मेरी अष्टलक्ष्मियां ना ही परिवार बिखरने देंगी और ना ही अपनी माँ का सम्मान कम होने देंगी। ये लोग सामान लेके कहाँ चले गए? माया अपने पिताजी के यहाँ गई और आदित्य और दामाजी होटल। हे भगवान, सर से छत भी चली गई और अब परिवार भी बिखर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? मम्मी और पापा की हिम्मत बनी हुई थी ये सोच के कि भले ही घर चला गया लेकिन ये परिवार तो एक साथ है, अब तो वो भी नहीं है। वैभव, कैसे भी करके हमें इस परिवार को एक साथ वापस लाना ही होगा। थैंक यू श्रेया, इस परिवार के साथ खड़े रहने के लिए। इस घर की प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही समझ रही हो। वैभव, मेरा भी तो परिवार है। श्रेया, तुम कुछ कह रही थी घर वापस लेने के लिए, कैसे मतलब? वो तुम मुझ पे छोड़ो वैभव। भाई जी और ताऊ जी ने भले घर छीन लिया लेकिन मैं उन्हें वहां पे चैन से रहने नहीं दूंगी। ये घर सविता का है। हमारा, तुम भूल जाती हो। हाँ हाँ, तो तुम्हें याद है ना, छोड़ो वो बात। मैं कह रहा था कि घर में जो सोना गड़ा है उसका क्या करेंगे, कुछ सोचा? जोर से बोलो, घर अपना ही है। हाँ, घर में जो सोना गड़ा है उसका क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ सोचा? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। अरे सोना तो मैं कोने कोने से निकलवा के ही रहूंगी, पूरा घर तहस नहस कर दूंगी लेकिन इतना भी सोना नहीं छोड़ूंगी। ये सबसे पहले इस यंत्र को यहां से हटाऊंगी। सविता से जुड़ी हर याद हर निशानी इस घर से मिटा दूंगी और उसकी शुरुआत होगी इस यंत्र से। अब दिला सुनाई हा? ने भी अपनी सास की तरह नौटंकी शुरू कर दी क्या? सॉरी ताई जी, हम अंदर नहीं जा सकते लेकिन यहाँ पे तो बैठ सकते हैं ना। और वैसे भी जो बेघर हो जाए वो तो कहीं भी डेरा जमा लेते हैं, मैं तो अब यहीं पे रहूंगी। ए लड़की, ये बारबी डॉल क्या कह लिया, तू तो सर पे चढ़ गई। पर एक बात समझ ले, तू वो इम्पोर्टेड वाली बारबी डॉल नहीं है,
लोकल बारबी डॉल है, मेड इन रतलाम, समझी? ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत कर, चल सीधी लाइन पे आ जा। ताई जी, आपने घर तो अपने नाम कर लिया, लेकिन आपको इस घर में चैन से रहने नहीं दूंगी। शुभ नाम, शुभ